आज हम बनाएंगे वेरी इजी एंड क्विक इंडियन स्टार्टर रेसिपी। तो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू रेसिपी अड्डा बाय मेघा। तो फ्रेंड्स, मैं हूं मेघा और आप सभी का मेरे चैनल रेसिपी अड्डा बाय मेघा पर स्वागत है। अगर आपको ये मसाला पापड़ की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए फिर आज की इस रेसिपी को देख लेते हैं। मसाला पापड़ बनाने के लिए हमें चाहिए एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज, एक चौथाई कप बारीक कटी हुई कैप्सिकम, एक चौथाई कप बारीक कटी हुई कैबेज पत्ता गोभी और दो मीडियम साइज के बारीक कटे हुए टमाटर। तो यहाँ पे कोशिश करें आप कि हाइब्रिड टमाटर यूज करें, देसी टमाटर का यूज ना करें। एक चौथाई कप छोटे पीसेस में कटी हुई पनीर, दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च, दो टेबलस्पून अनार के दाने, दो टेबलस्पून फ्राइड चना दाल, दो टेबलस्पून रोस्ट किए हुए सॉल्टेड पीनट्स, दो टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1/4 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट काला नमक, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर रोस्टेड क्यूमिन सीड पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून टेबल सॉल्ट, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स और आधे नींबू का रस। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, मिला देंगे अच्छे से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पनीर, अनार के दाने, चना दाल, पीनट्स, काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ की हैं, पर अगर आपके पास इनमें से कुछ चीज़ें नहीं हैं या फिर आपको पसंद नहीं है तो आप उन चीज़ों को पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों के अलावा अगर आपको कुछ चीज़ें पसंद हैं जैसे उबले हुए आलू, स्वीट कॉर्न या फिर फ्राइड पीस, तो आप वो अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। तो हमारी जो मसाला पापड़ की स्टफिंग है वो पूरी तरह से बनके तैयार है। तो अब क्या करें, आपकी यहाँ पे इसको टेस्ट करके चेक कर लें कि इसमें नमक या लाल मिर्च पाउडर कुछ कम तो नहीं है। अगर कम है तो ऐड कर लें। इसके बाद अब हम पापड़ को सेकेंगे। तो मैं बीकानेरी पापड़ यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी कर सकते हैं। पापड़ को इस तरह से हाफ में फोल्ड कर लेंगे और इसके बाद इस तरह से हल्के हाथों से दबाते हुए इसको तोड़ लेंगे। काफ़ी ईजी है। अब हम पापड़ को रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने तवे को पहले से ही अच्छे से गर्म कर लिया है। इसके बाद एक साफ कपड़ा लेंगे और इस तरह से हल्के हल्के हाथों से पापड़ को दबाते हुए दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि जो तवा है वो काफ़ी अच्छे से गर्म होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी कम गर्म हुआ तो पापड़ जो है वो अच्छी तरह से सिक नहीं पाएगा। और दूसरी बात कि गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे तो पापड़ को सेकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कुछ ही सेकंड्स में ये सिक के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारा जो पापड़ है वो पूरी तरह से सिक चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि कपड़े को अच्छे से इस तरह से खोल लेंगे और उसके बाद इस तरह से शेप देते हुए इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही होल्ड करके रखेंगे। कुछ सेकेंड्स में आप देखेंगे कि ये जो पापड़ है ये इसी शेप को एक्वायर कर लेगा। तो इसी तरह से हम सारे पापड़ के कोन्स बनाकर तैयार कर लेंगे। इसके बाद हमने जो स्टफिंग बनाकर तैयार करके रखी थी उसको सभी कोन्स के अंदर अच्छे से फिल कर देंगे। तो वैसे अगर आप इस तरह से कोन नहीं बनाना चाहते हैं तो आप क्या करें कि सिंपली पापड़ को अच्छे से सेक लें और उसके बाद ये जो हमने स्टफिंग तैयार की है इसे अच्छे से पापड़ के ऊपर स्प्रेड कर दें, फैला दें और आपका मसाला पापड़ बनके तैयार है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमने स्टफिंग बनाई है आप इसको 6 से 7 कोन में आराम से फिल कर सकते हैं। तो अब हम सबसे लास्ट में स्टफ्ड मसाला पापड़ कोन को अनार के दाने और सेम से गार्निश करेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो मसाला पापड़ कोन्स हैं वो पूरी तरह से बनके तैयार हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी एक बार इस तरीके से मसाला पापड़ बनाकर जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ये खाने में न सिर्फ टेस्टी साथ में हेल्दी भी है। तो आपको ये रेसिपी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की और अमेजिंग रेसिपीज के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ एक और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।